नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पेट 2022 का नोटिफिकेशन 28 जून को जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो सिलेबस है, सिलेबस इन्होंने जो पाठ्यक्रम तैयार किया है वो आपको बताना चाहूँगी कि टोटल जो है प्रश्नों की संख्या होती है इसमें 100, और 100 नंबर का ये पेपर होता है, 2 घंटे परीक्षा होती है। भारतीय इतिहास से कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो टॉपिक इसमें हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये भारतीय इतिहास से संबंधित 5 नंबर का आएगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है 5 नंबर का आएगा, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये 5 नंबर आएगा आपका। पॉइंट नंबर 2 यानी सब्जेक्ट नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा सब्जेक्ट है भूगोल। भूगोल से 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन खनिज संसाधन, ये सब क्या है ना कि आपको पूरा भूगोल नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक दिया है आप वही टॉपिक पढ़ेंगे, टू द पॉइंट तैयारी करेंगे तो बेहतर होता है। तो उसके बाद है भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक का, जिसमें कि ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार, जिसमें कि कृषि सुधार हो गया, ढांचागत सुधार हो गया, श्रम सुधार हो गया, आर्थिक सुधार हो गया, जीएसटी। और पांचवा सब्जेक्ट है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 5 क्वेश्चंस 5 नंबर के इससे आएंगे भारतीय संविधान से, जिसके अंतर्गत है जो टॉपिक भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। छठा सब्जेक्ट है जनरल साइंस। साइंस के अंतर्गत आपके 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के भारतीय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आएगा। प्रारंभिक अंक गणित की बात करें, एलिमेंट्री अर्थमैटिक की बात करें, 5 क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। उसके बाद हिंदी की बात करें, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, जिसके अंतर्गत संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अंग्रेजी आएगी, 5 क्वेश्चन, जैसे कि जिसमें कि अंग्रेजी व्याकरण होगा, आपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, तर्क एवं तर्क शक्ति यानी लॉजिक एंड रीजनिंग से संबंधित 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे, जिसमें वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग रिकॉर्डिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, सिर्फ आप टॉपिक को पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि रीजनिंग की बुक उठाइए और सारा रीजनिंग पढ़ डालिए, ऐसा नहीं है। जो जो टॉपिक दिया गया बस वही टॉपिक आप पढ़िए, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद आप करंट अफेयर की बात करें तो अच्छा खासा 10 क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का आता है, बहुत ही यानी ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऊपर के सारे सब्जेक्ट में से कोई भी अगर एक सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, नहीं इंटरेस्ट रखते हैं, तो 5 क्वेश्चन छोड़ दें, बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि एक नंबर भी इम्पॉर्टेंट होता है, बट जो सामयिकी है, करंट अफेयर है, 10 क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही वेटेज रखता है, इसे आप छोड़ नहीं सकते, डेली का करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें
तो 10 क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत भारत के पड़ोसी देशों के साथ प्रेजेंट में क्या क्या चल रहा है, कैसे संबंध चल रहे हैं, क्या योजनाएं बन रही हैं, वो सारी चीज़ें, देश राजधानी और मुद्रा से संबंधित चीज़ें, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। उसके बाद 13वां टॉपिक की बात करें तो आपठित हिंदी गद्यांश है, उसका विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश दिया रहेगा और 5-5 नंबर का रहेगा, मतलब एक गद्यांश 5 नंबर का, एक गद्यांश 5 नंबर का, 2 मिला करके 10 नंबर का हो गया आपका। और तो ये चीज़ें हो गई। अब ये तो आपको, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 8-10 गद्यांश को सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिए, बट कोई खास मतलब इसका नहीं होता है। ये तो वहाँ पे गद्यांश दिया रहता है तो वहाँ पे पढ़ करके अपने आप चीज़ें आंसर जो उसका आ ही जाता है। फिर ग्राफ की व्याख्या है, ये भी बहुत ही वेटेज रखता है, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। 10 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का और 2 ग्राफ रहेगा 5-5 प्रश्नों के लिए। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं यहाँ से भी आएंगी, 5-5 प्रश्न निर्धारित होंगे, यानी 10 अंक का आएगा। उसके बाद क्रमांक 1 से कुछ शर्तें इन्होंने दी हैं, क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफ़िकल्टी लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। 1 से 9 तक ये जो चीज़ें थी, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ सामान्य अंग्रेजी तक क्या क्या है 1 से 9 तक। सबसे पहले था भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन और सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। तो 1 से 9 तक का ये लेवल हो गया इन्होंने बताया। पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, परीक्षा का प्रकार क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रकृति एवं प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों का पर आधारित होगा, दूसरा हो गया। तीसरा जो मेन आपको चीज़ जाननी है, प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। ये सबसे मेन चीज़ यहाँ पे जानकारी के लिए थी आपके लिए। तो ये पूरा सिलेबस था, ऑफिशियल सिलेबस था। आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है UP SSC का, आप पैट UP SSC पैट के पैट 2022 का, तो वो आप अच्छे से लगन से पढ़ाई कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाइए सिलेबस को। एक्चुअली देखिए, ऐसा नहीं कभी करना चाहिए कि कोई भी किताब उठाएं और पूरी किताब पढ़ते चले जाएं। यहाँ जब सिलेबस है तो सिलेबस को एक एक पॉइंट वाइज पढ़ाई की जाती है, एक एक पॉइंट वाइज पढ़ने से चीज़ें तैयार होती हैं और अंदर खुद से ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि चलो हमारा एक टॉपिक, 2 टॉपिक 3 टॉपिक यही सब्जेक्ट से तैयार हुआ, दूसरा सब्जेक्ट उठा रहे हैं आप उससे 2-3 पॉइंट तैयार हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अंदर से। तो उस जैसे जैसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, देखिए कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है पढ़ने में, अगर उसके अंदर किसी वो कंप्लीट कर लेता है कोर्स, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें अचीव करने लग जाता है। बहुत कठिन चीज़ नहीं है कोई, ये पैट जो है पैट उतना कठिन नहीं है, हालांकि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। काफ़ी लोग एक्चुअली, हर कोई पेपर दे रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो तो पैट का पेपर दे रहा है, कट ऑफ ज़्यादा जाती है, लोग ज़्यादा दे रहे हैं ध्यान। तो इस तरह से बने रहने के लिए इसमें, परीक्षा में, मेंस में जाने के लिए बेहतर होगा कि अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई की जाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की जाए। और ऐसा नहीं कहीं से भी यूट्यूब की वीडियो उठा ली, पढ़कर ख़त्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप अपना टॉपिक उठाइए, नोट कर लीजिए, चिपका लीजिए दीवार पर, आप सिलेबस चिपका लीजिए और डेली का एक एक पॉइंट जो है उसे ख़त्म करते रहिए अपने हिसाब से, अपना शेड्यूल स्टार्ट कीजिए डेली से। 8 से 10 घंटे पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, आज की आज का जो कॉम्पिटिशन का हिसाब चल रहा है उस हिसाब से डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हर एग्ज़ाम अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है निकाल लेना, कोई भी एग्ज़ाम आसान नहीं है, सब टफ है अपने अपने स्तर पर, क्योंकि अपने अपने स्तर, जिस जैसा पेपर होता है उस स्तर से भीड़ होती है। तो इस तरह से लगे रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।